Hello everyone, so welcome back to the Unacademy J YouTube channel. Myself Paras Thakur and let's start this amazing next lecture, Atomic Structure. तो आज हम Atomic Structure start करने वाले हैं and it's going to be a very very amazing session. ठीक है, तो सबसे पहले मैं check कर लेता हूँ कि कितने बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं. ठीक है, एक बार सबको देख लिया जाए and आप लोग जल्दी से मेरे को ये बता दो कि आपको आवाज़ आ रही है, audio video everything is fine, because मुझे तो मैं दिखाई दे रहा हूँ. ठीक है, आई होप आप सबको भी मैं दिखाई दे रहा हूँ. ठीक है, चलिए. तो बेटा सबसे पहले देखो, तो जो भी नए बच्चे, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है और शेयर कर दो अभी के अभी. तो मोहल्ले में हल्ला अभी के अभी कर दो ताकि बाकी बच्चों को पता चल जाए कि भाई लेक्चर स्टार्ट हो गया है. राइट, जल्दी से. ओके, एंड टुडे इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है. लेक्चर वन है तो आज से देखना स्टार्ट कर देना और पूरा कंप्लीट करना है. हम काफी नई चीजें सीखने वाले हैं इसमें. तो अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, के आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि आई बीन टीचिंग केमिस्ट्री फॉर लास्ट 10 ईयर्स नाउ. तो IIT JEE नीट एक्सपीरियंस को मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी गाइड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है. सब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके मैंने भी बहुत कुछ सीखा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव वर्क विद लाइक MHRD इन द दीक्षा प्रोजेक्ट. आई वॉज कंटेंट पार्टनर देयर एंड रिसेंटली आई वॉज अवॉर्डेड एज टॉप 100 ग्लोबल लीडर्स इन एजुकेशन बाय GFEL इवेंट इन दुबई. ठीक है, बाकी आई हैव वर्क विद सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री और रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री. चलिए स्टार्ट करें. तो क्या जल्दी से यार शेयर कर दो, अभी के अभी शेयर कर दो ताकि सारे सारे बच्चे आ जाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए यार कोई बच्चा रह जाए, फिर मज़ा नहीं आएगा. ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है? कल यस देर वॉज सम इंटरनेट इशू, मेरा नेट उड़ गया था. ठीक है, इट वॉज सम लाइक कुछ केबल ही आई थिंक वो डैमेज हो गई थी तो उसकी वजह से हो नहीं पाया. एंड आई वॉज सो एक्साइटेड क्योंकि लेक्चर वन था. ठीक है, तो तुम लोगों से ज़्यादा दुख मेरे को हो रहा था. चलिए, तो बच्चे जो हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, अगर आपको सारी नोटिफिकेशन चाहिए, सारे नोट्स चाहिए आपको टाइम पे, तो बच्चों टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करो. इंस्टॉल करने का आप ब्राउजर ओपन करेंगे, क्रोम, फायरफॉक्स, कुछ भी, उस पर जाके टाइप करना है tinyurl.com/unacademychat. तो आपको नोट्स मिलते हैं, नोटिफिकेशन मिलते हैं, हमारे मैसेजेस आते हैं. और जो बच्चे बुक्स के बारे में पूछते हैं, बेटा बुक्स आपको बेस्ट कहाँ पर मिलने वाली हैं, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं? हमारे पिछले साल के नोट्स, हमारे लास्ट ईयर के, इस साल के सारे सारे नोट्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, 11th 12th PCM सारा. करना क्या है, ब्राउजर पे जाके, गूगल पे जाके टाइप करो tinyurl.com/jmobile. ठीक है, तो उससे पढ़ो और कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है. और अगर आपको ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस चाहिए, और भी अमेजिंग एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, यस बेटा शिरांग आई एम लाइव. ठीक है, ओके. अरे यार फिजिक्स की क्लास तुम लोगों की रहती है तो आई डोंट वांट टू डिसरप्ट द फिजिक्स वाला फ्लो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना आगे किया हुआ है ताकि आप लोग आराम से फिजिक्स कर लो, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको 2-4 मिनट का ब्रेक मिल जाए. राइट, और अगर आप लोग अमेजिंग ऑसम एक्सपीरियंस चाह रहे हैं तो भाई कितने बच्चे अभी जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो? क्यों, देखो हम सभी आपको यूट्यूब पर तो पढ़ाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम अनअकैडमी पे अलग से पढ़ाएंगे, जहाँ पर लाइव क्लासेस रहती हैं डेली. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं. आप किसी की भी क्लास देख सकते हो, सबकी क्लास देखते हो, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है बाद में, टेस्ट सीरीज उस पर रहती है, सारे फीचर्स, मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है अगर आप अनअकैडमी पे आते हो, सब्सक्राइब करते हो. तो बेटा अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो 1 ईयर या 2 ईयर, दीज आर द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान्स. और यूज़ द कोड PTLIVE फॉर 10% डिस्काउंट. ठीक है, जो भी आप, अगर आप 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 36,000 का, और 1 ईयर लेना चाहते हो तो 30,000 का है. ओके, तो उसे PTLIVE कोड लगाने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, तो बोलना नहीं है, चलो आई एम वेटिंग. और नहीं, यस ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है. जो बच्चे ड्रॉपर के लिए पूछते हैं, ड्रॉपर बैचेस आर स्टार्टिंग. ठीक है, इस वीक से ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहे हैं. तो अगर आप लोग पूछ रहे हो सर ड्रॉपर बैच कब स्टार्ट होगा, ड्रॉपर बैच कब स्टार्ट होगा, तो ये ज्वाइन कर लो जल्दी से. ड्रॉपर बैच इस वीक स्टार्ट हो रहे हैं, कोटा के एजुकेटर्स के स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, क्लियर है ये? चलिए स्टार्ट किया जाए. चलो, तो इस प्यारे से एक सिंपल से कोट के साथ स्टार्ट करूंगा. मैं मोटिवेशन तो नहीं दूंगा तुम्हें, मैं मोटिवेशन इसके थ्रू देना चाहता हूं. जे जे थॉम्सन ने एक बार कहा था, द इलेक्ट्रॉन मे इट नेवर बी ऑफ एनी यूज टू एनीबडी. अब जस्ट इमेजिन कि मतलब काश ये कभी भी किसी के किसी काम का ना हो, ये उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है. जस्ट इमेजिन इफ द जे जे थॉम्सन हिमसेल्फ, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी की, राइट, वो खुद बोल रहे हैं कि मतलब काश ये इलेक्ट्रॉन कभी किसी के काम का ना हो.
मीन्स इट मस्ट हैव बीन अ वेरी वेरी एडवेंचरस और काफ़ी दुख भरा एक पूरा ये रहा होगा एपिसोड कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करना होता आसान नहीं रहा होगा, बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होंगी। तो दिस कोट रिप्रेजेंट्स कि कितने मुश्किलों से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होते हैं, थ्योरीज लिखी जाती हैं, राइट, और किसी कंक्लूजन पे एक साइंटिस्ट पहुंचता है। तो कोई बात नहीं, अब हम इलेक्ट्रॉन पे तो आ चुके हैं और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आज हम देखिए इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक अमेजिंग चैप्टर क्यों है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने का आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, एंड टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स जो डेवलप किए गए ओवर द ईयर्स वो क्या क्या है, डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे, सीआरटी एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड, राइट, काश नहीं शायद, यस मतलब वही है, ठीक है, शायद ना हो। ओके गाइस देखो सारे अभी काम करो, जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है, इससे पहले कि कहानी प्रॉपर स्टार्ट हो जाए, मोमेंटम पकड़ ले यार, शेयर कर लो, ठीक है, बिकॉज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मैंने इस लेक्चर को तैयार करा, आप देखोगे कि लास्ट ईयर से काफी डिफरेंट है, एंड आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इसको आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ओके मेरे मतलब एक लेक्चर को आप समझ लो, एक लेक्चर को प्रिपेयर करने में मेरे करीब करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं, मतलब डेली अगर लेक्चर लग रहा है तो डेली के लेक्चर के लिए मैं 3 से 4 घंटे लगाता हूँ, ठीक है। तो वो सारा एफर्ट अगर जस्टिफाई हो जाएगा बहुत खुशी होगी मेरे को, अगर आप लोग शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सबको बुला लोगे। देखिए तो सबसे पहले आचार कौन कौन खाता है, पिकल, राइट, तो आचार के शौकीन तो सारे होंगे, तो जरा विचार करिए कि ये आपके पास डब्बे में अचार है और इस अचार को, ठीक है, ये खीरे का अचार इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, अब मेरे घर का नहीं है ये, तो ये मत पूछा सर ये कौन खाता है, ठीक है खीरे का इन्होंने अचार बनाया है, एंड इसको अचार में आपको बताया ना उसको एक एसिड में डालते, बेसिकली एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है वो, राइट, तो ये ऑब्वियसली इसमें कंडक्टर है। अब दोनों एंड से जब आपने इसको वायर से इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, अब इसमें आपने करंट पास करेंगे तो ये ग्लो करता है, तो दिस इज ग्लोइंग पिकल, ठीक है, क्या ये ग्लोइंग पिकल, तो कोई मेरे को बताएगा कि यार ये इसके थ्रू अगर हम करंट पास किया तो ये ग्लो क्यों कर रहा है, अगर अंधेरे में इसको आप देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देता है, तो ऐसा ग्लोइंग पिकल आपको क्यों लग रहा है, अब ऐसा ग्लोइंग ग्लोइंग अचार खाओगे क्या, ठीक है, मतलब आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट अगर खाओगे तो मतलब बताना मेरे को कैसा मजा आया, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि यहां पर जो हो रहा है, यहां पर जो एक्साइटेशन हो रही है, किस एलिमेंट की एक्साइटेशन हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है और उसकी वजह से ये ग्लो जनरेट हो रहा है, तो ये सारा का सारा क्यों हुआ ये आप समझ पाओगे अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते हो, एंड देन एक छोटा सा एटम फोड़ दिया जाए तो यू नो द एटॉमिक एक्सप्लोजन्स एटॉमिक बॉम्ब्स, राइट, कितनी वास्ट मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करते हैं, ठीक है, क्लियर है, तो दिस इज याद है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब इमेजिन कितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है इतने माइन्यूट पार्टिकल में, ठीक है। एंड अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, देखिए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यस, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर फ्लो ऑफ आयन्स हो रहा है यहाँ पे, यस डेफिनेटली फ्लो ऑफ आयन्स यहाँ पे हो रहा है। अब अगर मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने एल्केमी के बारे में तो सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने एल्केमिस्ट नॉवल है, बहुत पॉपुलर नॉवल है, उसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, एल्केमिस्ट सुना आप लोगों ने, आई होप सुना होगा, राइट, तो एल्केमिस्ट एक बड़ा पॉपुलर नॉवल भी है। तो एल्केमी क्या थी, एल्केमी एक ऐसी ब्रांच थी, मैं साइंस तो नहीं बोलूंगा, बट यार लेटर ऑन एल्केमी के बहुत सारे प्रिंसिपल से केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के जो प्रिंसिपल थे उनको डेवलप करने में बहुत हेल्प मिली थी। एल्केमी वॉज ऑल अबाउट कि हमें एक एलिमेंट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या हम लोहे को डायरेक्टली गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो एल्केमी, अब सोचो यार लोहे और गोल्ड में डिफरेंस क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन अ आयरन पीस, अ पीस ऑफ आयरन एंड अ पीस ऑफ गोल्ड। अगर मेरे से पूछा जाए, अगर मुझे केमिस्ट्री में कोई वरदान दिया जाए कि आपको केमिस्ट्री में बताओ क्या चाहिए, तो मैं तो ये बोलूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आगे पीछे करने का मेरे को पावर मिल जाए, तो उससे बड़ी कोई पावर नहीं है, राइट, बिकॉज इट जस्ट अ मैटर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप आयरन की बात करें मे बी बहुत ही सस्ता मेटल है ये, और गोल्ड की बात करें तो काफी महंगा मेटल है ये। तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, मतलब उसमें 26 प्रोटॉन है 26 इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप गोल्ड की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 79। तो इट जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के वेरी करने से देखिए कितनी वास्ट डिफरेंस आ जाता है प्रॉपर्टीज में।
आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, टंगस्टन की बात करो, कितने सारे अल्कली मेटल्स है, अगर अल्कली मेटल्स की बात करेंगे हम, ठीक है, इतना वास्ट डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी में, फाइन। तो ये सारा का सारा क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें हैं जो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती हैं, प्रॉपर्टीज उनके ऊपर डिपेंड करती हैं, एंड हम उन चीजों को समझ के क्या क्या फंडामेंटल्स, क्या क्या थ्योरीज को समझ के आगे नई चीजें सीख सकते हैं। अब मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, मुझे मेरा बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल है ये बटरफ्लाई विंग्स, ठीक है। तो आई होप के बटरफ्लाइज आर वेरी वेरी लाइक, जब हम छोटे होते थे तो आपको याद हो, काफी बच्चे कोशिश करते हैं तितलियों को पकड़ने का, वी ट्राई टू लाइक कैच अ फ्यू बटरफ्लाइज एंड लुक एट देयर विंग्स, उनके पंखों को देखते हैं कितने कलरफुल, कितने वाइब्रेंट उनके विंग्स होते हैं, राइट। तो बटरफ्लाई की जो विंग्स हैं इनमें एक बड़ी अमेजिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज दे हैव वेरी वेरी वाइब्रेंट कलर्स, और उनके कलर कैसे होते हैं अगर आप अलग अलग एंगल से देखोगे, राइट, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखोगे तो आपको कलर वो डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा। डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज अमेजिंग कलर्स, ये जो इतने अमेजिंग वाइब्रेंट कलर्स हैं, ठीक है, ये कैसे आते हैं, आइडिया? यस, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आप आपके जैसे में टी शर्ट है, दिस इज ब्लैक, या किसी रेड टी शर्ट या ब्लू टी शर्ट की बात कीजिए, तो टी शर्ट में या नॉर्मली जो चीजों में जो कलर होता है वो पिगमेंट्स की वजह से होता है, कलर के पिगमेंट्स होते हैं, राइट। तो कुछ जो कलर होते हैं वो पिगमेंट की वजह से, उसके ऊपर एक डाई आपने यूज की होती है, डाई उसको किया होता है ना कलर से, तो डाइज की वजह से भी कलर आते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कलर ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर पे डिपेंड होते हैं। तो अगर मुझे बटरफ्लाई के विंग्स के जो वाइब्रेंट कलर्स हैं इनको समझना है तो मेरे को इनका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बटरफ्लाई विंग्स, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कलर शोन एग्जिबिटेड बाय देम, ठीक है। यस बेटा, अभी भी ज्वाइन करते हैं प्लस, कभी भी ज्वाइन करो यार, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो लाइक और शेयर कर दिया करो, राइट। देखिए ये अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो बटरफ्लाई के विंग्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है। और फर्दर अगर आप क्लोज करेंगे इसको, देखिए दिस इज 50x, ये आपका 50x जूम पे है, ये आपका 200x जूम पे है, राइट। फिर ये वाला आपका 1000x जूम पे है, और ये वाला आपका 5000x जूम पे है। आप बोलोगे सर इससे फर्क क्या पड़ा, इस जूम से क्या क्या डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि जब आप 5000x जूम पे देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है बटरफ्लाई के विंग्स में, ये जो स्ट्रक्चर है, लाइट जब इस पे पड़ती है, लाइट किस तरह से इसका इंटरैक्ट करती है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे ये इसमें कैविटी सी बनी हुई है, द वे लाइट वेव्स इंटरैक्ट विद दिस ना दिस, ये जो कैविटीज हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, लाइट जिस तरह से इनसे इंटरैक्ट करती है उसकी वजह से कलर आता है। तो कलर किसी डाई की वजह से नहीं है, किसी पिगमेंट की वजह से नहीं है, लाइट किस तरह से इंटरैक्ट कर रही है। तो अगर आप इसको डिफरेंट एंगल से देखोगे तो लाइट डिफरेंट तरीके से इसके ऊपर पड़ेगी तो कलर कुछ और दिखाई देगा। तो मतलब ये जो कलर है दिस इज एंटायरली डिफरेंट, इट इज स्ट्रक्चर बेस्ड कलर, स्ट्रक्चर की वजह से है, राइट। ये देखिए ये 50x है, ये 1000x है, और ये 5000x है, ओके। तो इट मीन्स कि बटरफ्लाई के जो कलर्स हैं वो दो अलग अलग तरीकों से आ सकते हैं। एक तो हो गया आपका जनरल ऑर्डिनरी कलर, जो नॉर्मल केमिकल्स से आते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट, जिनको आप डाइज के थ्रू भी वो कलर जनरेट करते हो। और एक होता है स्ट्रक्चरल कलर्स, दिस इज ड्यू टू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और बटरफ्लाईज विंग्स, ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ बटरफ्लाई विंग्स, कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से द वे लाइट वेव्स इंटरैक्ट विद दैट स्ट्रक्चर विल गिव यू अ कलर। तो अगर आपकी पोजिशन चेंज हुई, ऑब्जर्वर अगर चेंज हुआ, तो उसको लाइट किस तरह से दिखाई देगी, राइट, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा तो कलर भी चेंज होता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इरिडिसेंस। तो अगर आप मोर के पंख की बात करें तो वहां पर भी आपको ये इरिडिसेंस वाली प्रॉपर्टी दिखाई देती है, ठीक है। चलिए एंड एटम्स की बात करते हैं। यार बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एटम एग्जैक्टली कितना छोटा होता है, एटम सच में गोल होता है, एग्जैक्टली गोल होता है क्या? नो, दैट इज जस्ट हाइपोथेटिकल, एक आपको बताने के लिए कि ठीक है एटम गोल होगा, ऑब्वियस बात है, राइट। बट अगर आप रियलिटी में एटम को देखने की कोशिश करें, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट से तो देख ही नहीं सकते, कितनी भी मैग्नीफाई कर लो, ठीक है ना, ऑर्डिनरी लाइट से कभी नहीं देख सकते। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू एटम को देखने की ट्राई करें तो ये कुछ यहां पर कॉपर के सर्फेस पे आयरन के एटम्स रखे गए हैं, ये कॉपर का सर्फेस है, उसके ऊपर आयरन के एटम्स रखे गए। आप बोलोगे सर ये तो बहुत पॉइंटेड से हैं,
यस दिस इज हाउ द एटम, ये हर एक 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 सिंगल सिंगल एटम है। तो एटम जब हम थ्योरी में बात करते हैं तो गोल होते हैं, बट रियलिटी में ऐसे गोल नहीं होते। रियलिटी में किसी सरफेस पे होते हैं ना, तो ऐसे गोल ऑब्जर्व नहीं होते, बिकॉज अल्टीमेटली आप पढ़ेंगे ड्यूअलिटी ऑफ मैटर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एटम पार्टिकल है, वेव है, क्या है ना। हर चीज के पास एक ड्यूअल नेचर होती है, पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, वेव कैरेक्टर भी होता है। तो विल टॉक अबाउट दिस और बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक बड़ा सिंपल सा मेरा क्वेश्चन आता है, वन सेकंड मैं देख लूं आप लोग क्या क्या पूछ रहे हो, ठीक है। केमिस्ट्री में बायो नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं। और काफी बच्चे के बार ये पूछते हैं कि सर ये आपका जेई मेन के लिए सफिशियंट होगा, जेई एडवांस के लिए सफिशियंट होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, हम जो लेक्चर्स करेंगे बच्चों ये आपके जेई मेन प्लस एडवांस दोनों के लिए सफिशियंट होंगे, डेफिनेटली सफिशियंट होंगे। टोटल एडवांस लेवल तक हम कवर करेंगे, ओके उसकी चिंता नहीं करो। यस मिस्टर आयरन मैन, बेटा नॉर्मेलिटी करेंगे जब हम रिडॉक्स करेंगे, क्योंकि विदाउट रिडॉक्स तुम बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन्स की कितना शेयरिंग हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन लॉस कितना हुआ है पर मॉलिक्यूल, तो उसके बिना मैं नॉर्मेलिटी प्रॉपर आपको समझा नहीं पाऊंगा। फिर कन्फ्यूजन आएगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कुछ का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, टाइट्रेशन बिना उसके सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जब टाइट्रेशन आता है तो रिडॉक्स टाइट्रेशन भी होती है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी होती है, तो वी नीड टू कवर रिडॉक्स बिफोर दैट। तो रिडॉक्स कवर करने के साथ ही मैं नॉर्मेलिटी कराऊंगा, डोंट वरी, आई नो, ठीक है। अच्छा पिकल के खीरे में एलईडी है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्टीमेटली मतलब केमिस्ट्री इज एवरीथिंग। बाहर देखते हैं वो तो चलिए अलग चीज है, पर हमारे अंदर जो केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर है, वो देखिए कैसे कैसे चीजों को अफेक्ट करता है। आपकी आईज में जो स्ट्रक्चर है दैट इज समथिंग एल्स, किस तरह से वो बना हुआ है। आईज आर लाइक फोटो डिटेक्टर्स, उनका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना और उसको एक इमेज में प्रोसेस करता है आपका ब्रेन। तो आई सिर्फ लाइट एब्जॉर्ब करके एक 2D पिक्चर देती है, ब्रेन उसको 3D में कन्वर्ट करता है। जो हम फील करते हैं वो हमारे ब्रेन में चलने वाले केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स है। जो हम खा रहे हैं वो अल्टीमेटली तो बेसिकली केमिकल्स ही हैं, ठीक है। एंड व्हाट सपोर्ट्स अस, हमारा जो स्केलेटन है दैट इज अ सिरामिक मटीरियल। तो ये सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, क्यों? क्योंकि सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पर अल्टीमेटली हैं तो सारे एटम्स, ठीक है। जब हम काम करते हैं तो हमारी मसल्स में या बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर्ड है वो एनर्जी रिलीज करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अल्टीमेटली हर एक चीज एटम से बनी पड़ी है, ठीक है, किससे बनी पड़ी है, हर एक चीज अगर एटम से बनी पड़ी है, तो ऐसा क्यों है कि अल्कली मेटल को पानी में डालने पर इस तरह से वो मतलब इट इज वेरी वायलेंट, वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहां पर एक मोल्टन सॉल्ट डाला गया है, ठीक है, यस, इस बेचारे की इसको प्ले करने में काफी हालत खराब हो रही है सिस्टम की, कोई बात नहीं, इसको समझ लो, ये मोल्टन सॉल्ट यहां पर डाला गया है, ठीक है। तो मोल्टन सॉल्ट देखो कितना बड़ा ब्लास्ट हो रहा है यहां पर, मतलब इट्स वेरी वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर ये एग्जांपल अगर आप देखेंगे, दिस इज रस्टिंग। तो रस्टिंग में क्या है, देखो धीरे धीरे मतलब टाइम लगता है। तो आयरन पानी में जाने पे रस्ट हो जा रहा है, अल्कली मेटल को पानी में डालने पे वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, गोल्ड को पानी में डालो तो कुछ नहीं होता। व्हाई इज दैट, कि कुछ एलिमेंट पानी के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं और कुछ एलिमेंट पानी के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। अल्टीमेटली है तो एटम। अगर मैं आयरन को भी छोटे 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 पीसेस में तोड़ता चला जाऊं, अल्टीमेटली जो सबसे छोटा पीस होगा वो एटम ही होगा। तो ऐसा क्या डिफरेंस आया आयरन के एटम में, गोल्ड के एटम में, ऐसा फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? अगर उनके अंदर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस कि आयरन पानी में रस्ट कर जाता है, गोल्ड नहीं करता, और अल्कली मेटल लाइक सोडियम इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। यस, तो यू गाइज आर आंसरिंग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट, बट द पॉइंट इज व्हाट एग्जैक्टली दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती क्या, ऐसा क्या चेंज इसी की वजह से आता है जिससे रिएक्टिविटीज में इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। तो विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो चलिए अब एटॉमिक मॉडल्स को अगर हम समझने की कोशिश करें, राइट, तो एटॉमिक मॉडल्स में क्या क्या है, देखिए सबसे पहले डाल्टन ने जो प्रॉपर एक मॉडल प्रपोज किया गया था, वो डाल्टन ने प्रपोज किया 1807 में। फिर नेक्स्ट आया थॉमसन का, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल 1897 में। फिर आया अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल 1911 में, जिसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। फिर आया नील बोहर का मॉडल, और उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एटम, राइट।
right? Not exactly development of atom, development of the theories of atom. Atom के बारे में क्या है? ठीक है? Okay, काफी तुम लोग मतलब PCL 5 वगैरह में कहाँ चलेगे तुम लोग PCL 5 वगैरह में? अच्छा एक काम तो करो, लाइक तो कर दो जल्दी से, जितने बच्चे भी आए हैं. अच्छा सब ने बाल को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है. अगर आप लोगों ने लाइक कर दिया है तो ज़रा थम्स अप करके मेरे को बताएं कि हाँ जी हमने कर दिया है. ठीक है, मतलब देखो ये सारी जो मेहनत लगती है दिस विल बी वर्थ इट. अगर आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएशन दिखाओगे तो बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो ये सारे मॉडल्स हम अल्टीमेटली पढ़ने वाले हैं और इनके फेलियर्स, इनके ड्रॉबैक्स, इनके क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे, वी आर गोइंग टू डू ऑल दैट. ठीक है, जल्दी से. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, अब ये तो थे मेजर इवेंट्स कि पूरा एटॉमिक मॉडल डेवलप हुआ. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज और भी बड़ी सारी ही डिस्कवरीज थी, ऐसे इवेंट्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. ठीक है, यह साशु बेटा नेपाल में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, सारे बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. और फिर से आपको बता रहा हूँ कि ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इस हफ्ते से ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहे हैं. तो अगर ज्वाइन करने वाले हो तो ज्वाइन कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड PTLIFE. ठीक है, देखिए तो जे जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता किया उन्होंने, फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रदरफोर्ड ने 1909 में, फिर 1910 में मिलिकन ने मेजर किया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, फिर 1913 में नील बोहर का मॉडल आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद 1924 में डी ब्रॉगली की वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की थ्योरी आई, फिर 1926 में श्रोडिंगर की इक्वेशन आई, श्रोडिंगर कैट बड़ी फेमस है ना, कि जब तक आप डब्बा खोलोगे नहीं डब्बे के अंदर जो कैट है वो जिंदा है या मरी हुई है क्या हुआ है, ठीक है, वी डोंट नो. तो श्रोडिंगर कैट के बारे में बड़ी कहानी आती है, राइट. देन हाइजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में, एंड फिर जाके डिस्कवर हुआ न्यूट्रॉन. मतलब ये सब कुछ हो गया भाई, पूरी मूवी खत्म हो गई, फिर जाके जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया. तो जस्ट इमेजिन 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था और 1932 मतलब 35 साल के बाद न्यूट्रॉन जाके डिस्कवर हुआ है. ठीक है, 35 साल लगे, तो मतलब इतना आसान नहीं है. हम मे भी यार हम तो मुश्किल से 8-10 घंटे में खत्म कर देंगे पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के. उनको 35 साल लग गए थे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कवर करने में. तो दिस विल बी द फ्लो ऑफ जो हम करेंगे, सारी थ्योरीज पढ़ेंगे हम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल, क्योंकि जब सबसे पहले अगर क्वेश्चन आया, सारे जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे उनके सामने क्वेश्चन आया था, यह सब कुछ किससे बना हुआ है, हम किससे बने हैं, ये मैटर किससे बना है, ये दीवारें, ये दुनिया, सब कुछ किस चीज़ से बनी है, व्हाट इज द फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. तो डेमोक्रेटस ने 400 BC में, बहुत गुजरे ज़माने में, उन्होंने बोला कि मैटर इज कंपोज ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जिनको अब हम एटम बोलते हैं. ठीक है, और ये इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये चीज़ बाद में जाके गलत प्रूव हो ही गई, हमें पता है ये डिवाइड हो जाता है. एरिस्टोटल ने कुछ और ही प्रपोज किया, उन्होंने बोला कि चार एसेंस से मिलके दुनिया में सब कुछ बना हुआ है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर. ये थ्योरी बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर दी गई क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाला कोई ऐसा एविडेंस नहीं था. तो अगर पहली ढंग की थ्योरी जो थोड़ा साइंटिफिक थ्योरी थी उसकी अगर हम बात करें, दैट वॉज द डाल्टन मॉडल ऑफ एटम, जो 1803 से 1810 के बीच में प्रपोज किया गया. डाल्टन की जो बेटा थ्योरी थी ये कुछ लॉज के ऊपर बेस्ड थी जो आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं. तो आई होप कि आप लोगों ने सबने पढ़ा ना लॉज, सबने पढ़े ना मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे. तो डाल्टन की थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड थी. तो उसने भी बोला यस, एलिमेंट्स आर कंपोज ऑफ माइन्यूट इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल जिनको आप तोड़ नहीं सकते फर्दर, है ना, एटम्स, उनसे मिलकर मैटर बना हुआ है, ये एलिमेंट उससे बना हुआ है. तो ये पार्ट तो गलत हो गया, ये पॉइंट तो गलत हो गया. बाद में हमें पता है कि एटम इज डिविजिबल, एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं. देन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एक जैसे होते हैं. ठीक है, ये मास होगा, एम्प्टी नहीं होगा, दिस इज मास. तो एलिमेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक इन मास एंड साइज. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास. मतलब दो अलग अलग एलिमेंट ले लो, ये आपका आयरन आ गया, ये आपका गोल्ड आ गया, या सिल्वर आ गया, इन दोनों के एटम्स का मास साइज डिफरेंट होगा. केमिकल कंपाउंड कब बनते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं, राइट. देन एटम्स हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, मतलब इसका एक एटम आ गया, इसके दो आ गए, या एक एक आ गया, एक तीन आ गया, दो तीन आ गए, मतलब होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे. ये नहीं इसका एक एटम आ गया और इसका 0.23 एटम आया,
वो नॉन स्टॉक्यूमेट्रिक होते हैं, करेंगे उसके बारे में बात, बट ये डाल्टन की थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे HCl plus NaOH gives you NaCl plus H2O, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, यहां पर क्लोरीन जो था, ठीक है, ये H के साथ लगा था, प्रोडक्ट में ये सोडियम के साथ लगा हुआ है, तो क्लोरीन किसके साथ था, यही चेंज हुआ ना, रीअरेंजमेंट ही हुआ है। क्लोरीन तो फिर भी रहेगा, एच तो फिर भी रहेगा, सोडियम तो फिर भी रहेगा, ऑक्सीजन तो फिर भी रहेगी, हाँ, पर कौन किसके पास चला गया, कौन कहां से टूट के किसके पास आ गया, इट्स ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट। इस एटम को उठा के यहां से वहां रख दिया, वहां वाले एटम को उठा के यहां रख दिया, तो एनी केमिकल रिएक्शन इज ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। एंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, एक और इंटरेस्टिंग बड़ी चीज थी जो माइकल फेराडे ने डिस्कवर की थी, जो आप आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके बारे में बड़ी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अरे वाह, अमन ने प्रेडिक्ट भी कर दिया माइकल फेराडे का टॉपिक आएगा, बट अब मैं क्या करूं, माइकल फेराडे को पूछो, उसने किया ये काम। देखो साइंस का जो सीक्वेंस है, अब रदरफोर्ड के बाद बोहर मॉडल आएगा, अब वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, राइट। अब जो आएगा वो तो आएगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, राइट। अब मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं पास में जाके कुछ चेंज करता, पर टाइम मशीन है नहीं मेरे पास, ठीक है। देखो, तो माइकल फेराडे ने एक बड़ी अच्छी डिस्कवरी की, जब उसने कुछ सब्सटेंसेस को जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे उसमें पानी में डाला, जैसे पानी में आप नमक डाल दो, फिर इलेक्ट्रोड डाल दो और करंट ऑन कर दो, तो पानी में करंट आ जाता ना, बिकॉज सॉल्ट इज कंडक्टर। तो कुछ सब्सटेंसेस को पानी में डिजोल्व करके जब उसने इसके थ्रू कंडक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, तो उसने देखा कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है ना, कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोड पे जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आइडिया पढ़ा होता है। तो उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी वेरी कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ करंट वेरी कर रहा हूं, या ज्यादा देर तक करंट पास करता हूं, तो मास जो डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, ओके। मतलब चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम, मतलब सेम करंट अगर मैं ज्यादा देर के लिए पास करूंगा तो ज्यादा चार्ज उसके थ्रू जाएगा, सिस्टम के थ्रू जाएगा, तो जितना चार्ज ज्यादा जाएगा सिस्टम के थ्रू उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज। तो फिर वहां से उसने आइडिया ये लगाया कि मतलब मास में चार्ज है, क्योंकि चार्ज के साथ कुछ रिलेशन तो है, मतलब मैटर जो पार्टिकल्स हैं उनमें अंदर कुछ चार्ज तो होगा, मतलब चार्ज का कुछ तो है, मतलब मास में चार्ज है या चार्ज में मास है, कुछ तो है ना, कुछ तो दया, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ मास में चार्ज है या चार्ज में मास है, कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो ये हमने पता लगाया क्योंकि दया भाई साहब उस टाइम नहीं थे, उस जमाने में नहीं थे, तो ये फिर माइकल फेराडे ने और कुछ और साइंटिस्ट ने मिलकर ये पता लगाया और ये बात सही निकली कि गड़बड़ तो है, ठीक है, मास में चार्ज भी और चार्ज में मास भी है, बिना उसके वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, सही है। तो अब ये जो बात आई कि इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, तो देखिए स्टोनी, मिस्टर स्टोनी थे, उन्होंने कहा कि यार इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई फंडामेंटल यूनिट तो होगा, आप करंट पास कर रहे हो, आप बोल रहे हो यार मैं इतने देर तक पास करता हूं तो इतना चार्ज जाता है, मैं और देर तक पास करूंगा तो ज्यादा चार्ज जाएगा, तो मतलब चार्ज का भी कुछ फंडामेंटल यूनिट तो होगा, है ना, ठीक है। तो उन्होंने इस यूनिट का बोला, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब थॉमसन साहब ने नामकरण नहीं किया था इलेक्ट्रॉन का, द नेम इलेक्ट्रॉन वॉज एक्चुअली गिवन बाय स्टोनी, बट उनको कोई आइडिया नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन होता है नहीं होता, उन्होंने जस्ट ये बोला कि हाँ यार इलेक्ट्रिसिटी का एक फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए तो उसको इलेक्ट्रॉन हम बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सीआरटी एक्सपेरिमेंट की, वो जो इलेक्ट्रॉन था जिसके बारे में थॉमसन ने कहा था कि शायद ये कभी किसी के काम ना आए, ठीक है, अब वो आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है कि हम सीआरटी एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब की बात करें और उसको समझें, ठीक है। तो तब तक अभी सीआरटी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं एंड लाइक कर दो, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि अभी बहुत कुछ ग्लो करने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो सीआरटी, व्हाट एग्जैक्टली सीआरटी, सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब एंड देयर इज अनदर टर्म क्रूक्स ट्यूब, क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब या जस्ट द टर्म डिस्चार्ज ट्यूब। तो जब आप इंटरनेट पर अगर आप पढ़ेंगे या बुक्स में पढ़ेंगे
तो कहीं लिखा होगा कैथोड रे ट्यूब, कहीं लिखा होगा जस्ट डिस्चार्ज ट्यूब, कहीं लिखा होगा क्रुक्स ट्यूब, ये सारी सेम है। अल्टीमेटली इनको नाम, एक्चुअली जो इसका नाम है दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि ये ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर एक डिस्चार्ज हम करवाते हैं। क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज का पता लगा तो बाद में उसको नाम दे दिया गया कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, यस, प्लकर का भी रोल है, प्लकर के बारे में अभी मैं नहीं जाऊंगा उस डिटेल में क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर ये। तो डिस्चार्ज ट्यूब था ये, बेसिकली जो ट्यूब थी ये एक्चुअली थी डिस्चार्ज ट्यूब। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके अंदर अलग अलग गैसेस को लेके एक्सपेरिमेंट किए, राइट। और स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट जब किए गए, ठीक है, क्रुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट इसमें किए थे, तो क्रुक्स ट्यूब उसको बोलते हैं उस टाइम पे। तो देखिए करते क्या है, ये आपके पास बेटा ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के दो एंड्स को है ना, देखिए यहां पर ये एक एंड है, एक इलेक्ट्रोड यहां पे लगाया है और एक इलेक्ट्रोड यहां पे लगाया है। इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी से जोड़ दिया उसको और उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड किया, और अंदर कोई गैस थी बहुत कम प्रेशर पे, ओके। तो आपने दोनों एंड, तो ग्लास ट्यूब के दोनों एंड पे दो इलेक्ट्रोड आपने रखे, उनको हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, वोल्टेज आप ऑन करेंगे तो वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस से उसमें ग्लो जनरेट हुआ। ये देखो इसी ट्यूब में नीचे, देखो ये नीचे वाला डायग्राम है, यहां पर ग्लो जनरेट होना है, राइट। इस ग्लो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब जब इसका रफली 350 वोल्ट पर सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस था और लगभग 1 mm ऑफ मर्करी का प्रेशर था, कितना, 10,000 वोल्ट पे बेटा आऊंगा, अभी आऊंगा 10,000 वोल्ट पे, पहले देख लो। जब अराउंड 350 वोल्ट पर सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस था और अराउंड 1 mm ऑफ मर्करी, अब 1 mm ऑफ मर्करी क्या होता है बेटा, 760 mm ऑफ मर्करी 180 mm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हम लेते हैं, तो 1 mm ऑफ मर्करी इज एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड बाय 760, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो जब इतना किया तो क्या हुआ, एक बड़ा अलग सा यहां पर चीज ऑब्जर्व हुई, दैट इज कैथोड के आसपास हल्का हल्का सा ग्लो आया, जो कैथोड था ना, जो नेगेटिव टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं बेटा कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं एनोड, ओके। तो कैथोड के आसपास थोड़ा सा ग्लो आया, उसके बाद क्रुक्स डार्क स्पेस, या इसको कैथोड डार्क स्पेस भी बोलते हैं, उसका एक डार्क स्पेस था, फिर बाद एक नेगेटिव ग्लो आया, फिर उसके बाद फेराडे डार्क स्पेस, आप लोग से क्या क्या है डार्क स्पेस, ठीक है, अभी उसकी अभी उसमें नहीं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कैथोड के आसपास एक ग्लो आया, फिर एक डार्क स्पेस था, फिर ग्लो आया, फिर डार्क स्पेस था, फिर प्रॉपर पूरा ग्लो आया, है ना, फिर पूरा पॉजिटिव कॉलम, मतलब ये पूरा पूरा ग्लो वाला कॉलम है ये आया, और लास्ट में एनोड के आसपास भी ग्लो था और फिर थोड़ा सा डार्क स्पेस था, ये स्टार्टिंग में ऑब्जर्व हुआ। अब जब इसमें से और आप वोल्टेज बढ़ाया, आपने वोल्टेज को और बढ़ाया और प्रेशर को और कम किया, 0.1 mm ऑफ मर्करी तक आप ले गए, प्रेशर को और आपने कम कर दिया, तो क्या पता लगा, पूरी ट्यूब में ग्लो आ गया, पूरी ट्यूब में ग्लो आ गया और कुछ रेज सी ऑब्जर्व हुई, रेज ऑब्जर्व हुई। ये रेज कैसी थी, ये देखिए, तो ये आपने नेगेटिव एंड कैथोड है बैटरी से इसको कनेक्ट किया, पॉजिटिव एंड आपका एनोड था, और जब आपने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और एक्सट्रीमली लो प्रेशर, तो रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा, हाई पोटेंशियल, ठीक है, काफी हाई पोटेंशियल एंड काफी लो प्रेशर। जब ये कंडीशन हो गई तो एकदम से देखा, जैसे आपका वोल्टेज बड़ा हाई हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो एकदम से उसके अंदर ग्लो आना स्टार्ट हुआ, और जैसे आपने फिर से प्रेशर को बढ़ा दिया या वोल्टेज आपने लो कर दी, घटा दी, ग्लो खत्म हो गया। तो वोल्टेज बढ़ाई, ग्लो आ गया, वोल्टेज घटा दिया, ग्लो खत्म हो गया, राइट। तो ये पता लग रहा था कि ग्लो किससे आ रहा है, ये जो ग्लो है किससे आ रहा है, ये देखिए इस डायग्राम में आपको साफ दिखाई देगा, ये आपकी जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, ये दिस इज द रे जिसको आप कैथोड रेज बोल रहे हो, तो इसकी डिस्कवरी के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे, ओके। देखो तो हुआ क्या, ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसको मैं नेगेटिव बोल दूंगा, दिस एंड विल बी माई कैथोड एंड दिस एंड विल बी पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये हो जाएगा मेरा एनोड। तो जब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज हमने यहां पर जनरेट की, तो कुछ रेज ऐसी मिली
जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, और इन रेज को कहा गया कैथोड रेज। क्या कहा गया? कैथोड रेज। क्यों कैथोड रेज कहा गया? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कैथोड की तरफ से चली है और एनोड की तरफ जा रही है, तो क्योंकि कैथोड की तरफ से आ रही थी इसलिए इनका नाम रख दिया गया कैथोड रेज। ओके, बाद में जाके पता लगा ये कैथोड रेज बेसिकली क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ही कैथोड रेज बोलते हैं। तो ये कैथोड रेज कुछ नहीं है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आगे कि सर इतने हाई पोटेंशियल की जरूरत क्या पड़ी और इतने लो प्रेशर की जरूरत क्या पड़ी। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कि सर हाई पोटेंशियल से हुआ क्या और लो पोटेंशियल से क्या हुआ। ठीक है, उसके बारे में अभी आपको बताऊं मैं। ये काम करते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो पहले आपको दिखा देता हूं मैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट याद देखो, ये आपको पहला वाला अगर आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे ये एक, ठीक है, बड़े अच्छे कोई प्यारे टीचर ने, उन्होंने ये बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये जो इक्विपमेंट है ये कुछ नहीं है, ये इसको दो एंड से बैटरी से कनेक्ट करने की जगह ये जो इन्होंने हाथ में पकड़ा है ना, ये बड़ा हाई इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, बहुत हाई। तो उसको अगर आप बहुत क्लोज के लाएंगे तो यहाँ स्पार्किंग हो रही है जिससे वो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जा रहा है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, देखो ग्रीन कलर का यहाँ पे कैथोड रेज जनरेट हुई, और इन्होंने अब हाथ में जो पकड़ा ना वो दैट इज मैग्नेट, अभी मैग्नेट ऊपर ला रहे हैं, तो आप देखोगे जो रे कैथोड रे वो बेंड हो रही है, वो मुड़ रही है। ओके, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे, तो यहां पर भी क्या कर रहे हैं सेकंड वाले डायग्राम में, यहां पर ये क्या कर रहे हैं, आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। दिखाई दे रहा ना, तो सेकंड वाले डायग्राम में ये मैग्नेटिक स्ट्रिप इसको लगा के इसके क्लोज ले जाके तो कैथोड रे बेंड हो रही है, बेंड हो रही है, क्यों बेंड हो रही है विल टॉक अबाउट दैट। फिर थर्ड नीचे वाला एक्सपेरिमेंट देखो, बीच में एक आपने एक ये रखा हुआ मेटल पीस रखा हुआ है, और जब कैथोड रेज पड़ रही थी यहाँ पर शेडो आ रही थी बीच में, मतलब कैथोड रेज इसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी, तो कैथोड रेज के रास्ते में अगर कुछ आ जाए तो उसकी वो शेडो बनाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हुई। ओके, व्हाई ओनली ग्रीन कलर? यस, अब ये बच्चा अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, व्हाई ओनली ग्रीन कलर? बिकॉज बेटा ये जो ट्यूब है इसके अंदर फ्लोरिसेंट मटीरियल की कोटिंग होती है, इसके अंदर फ्लोरिसेंट मटीरियल की कोटिंग होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें दिखेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल नहीं दिखने वाले। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्चुअली उस फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ कोलाइड करते हैं तो वहां पर ग्लो जनरेट होता है, तो आपको जो कलर दिखता है ना रे का, रेज का, वो तभी दिखता है अगर आप फ्लोरेसेंट मटेरियल अंदर होगा, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं दिखता। ओके, क्लियर है ये? देखो अब आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ होगा, हाई पोटेंशियल की जरूरत क्या थी। देखो अब मेरे पास ये एटम है, अब हमें तो अब तो पता ही नहीं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो ठीक है ये वाला मॉडल देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन था, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। तो बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस इसको एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स उसको लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ये न्यूक्लियस उसको लगा रहा है अपनी तरफ, अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल लूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूं, तो बेटा जितनी जोर से ये न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच रहा है उससे ज्यादा जोर से मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचना पड़ेगा। पर ये ऐसा तो है नहीं कि मैंने जाके पकड़ के इलेक्ट्रॉन को खींच के निकाल लिया, एटम के अंदर तो मैं घुस नहीं सकता, जा नहीं सकता, राइट। तो क्या करेंगे हम इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे चल तेरे को एनर्जी देते हैं, तो क्या होगा, तो जिस फोर्स से न्यूक्लियस इसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन बोलेगा मेरे पास अब एनर्जी आ गई है, मैं उसको फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकल सकता हूं। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है ताकि ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ओवरकम करके बाहर निकल जाए। हम एनर्जी कैसे देंगे? कुरियर कर देंगे, है ना, 2.5 किलो एनर्जी दे देंगे इसको। एनर्जी देने का बेस्ट तरीका क्या है, हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके, याद रखना इसको आगे के लिए, इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, और बेटा वर्क ही एनर्जी है, ये तो आपने पढ़ा हुआ पहले, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, है ना। तो उसको एनर्जी सप्लाई करने के लिए उसके ऊपर मैं वर्क कर सकता हूं, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होता है, तो अगर मेरे को ज्यादा वर्क करना है तो मैं क्या करूंगा, चार्ज तो मैं बढ़ा नहीं सकता, मैं ये वी बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ाऊंगा। तो जैसे जैसे इस बैटरी का पोटेंशियल मैंने बढ़ाया, जैसे जैसे मैंने बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाया, एक पॉइंट पे उसको इतनी एनर्जी मिलेगी कि ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ओवरकम करके निकल जाएगा बाहर, एटम निकल गया बाहर, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। बेटा एक न्यूट्रल एटम से
एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पीछे क्या रह जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, मतलब एक कैटायन रह जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है? एक बार जल्दी से मेरे को कंफर्म कर दो, यहां तक की कहानी आपको क्लियर है कि जब आपने बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या हुआ? हाई पोटेंशियल की वजह से आप ये लिख सकते हैं कि क्यू इंटू वी, ये इलेक्ट्रिक वर्क बड़ा ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को बड़ी ज्यादा एनर्जी मिल गई। उस इलेक्ट्रॉन को जब इतनी एनर्जी मिल गई तो वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को तोड़ के बाहर निकल गया और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जनरेट हुआ और पीछे जो रह गया उसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये दो हमारे पास पार्टिकल जनरेट हुए, राइट? ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर आ गई जल्दी से? ओके, संतोष बेटा कौन सी किताब पढ़ रहे हो? एनर्जीज रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जीज रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जीज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, मतलब एनर्जी वर्क नहीं होती है। हीट इज नॉट अ, वर्क इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा क्या कर रहे हो, कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, है ना? यहां तक कहानी समझ आ गई? अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज बेटा किस प्लेट की तरफ भागेगा, किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन निकले ना, सारे जो इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, ये भागे यहां पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ओके। और यहां पर अंदर गैस भी थी, अंदर गैस थी, बहुत लो प्रेशर था पर गैस थी अंदर यहां पे, ओके। अब तुम गैस कोई भी रखो, यहां पर तुम हाइड्रोजन गैस रख लो, हीलियम रख लो, नियॉन रख लो, ऑक्सीजन रख लो, कोई भी गैस रख लो, यहां पर गैस है बट बहुत लो प्रेशर पे है, वैक्यूम पंप के थ्रू उस पर बहुत लो प्रेशर हमने किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल थे ये भागे एनोड की तरफ, और ये जो कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये कहां भागेगा? ये कैथोड की तरफ भागेगा। तो एक्चुअली वहां पर दो तरह की रेज मिलेंगी, सिर्फ कैथोड रेज नहीं मिलेंगी, यहां पर एनोड रेज भी बनेंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन भागेगा एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन के भागने से बनेंगी कैथोड रेज। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, ये जो बचा हुआ कैटायन था, ये जब भागेगा तो बनेगा एनोड रेज। क्यों? क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ चलेंगी, ये उल्टी चलेंगी। तो मैं दोनों रेज आपको इकट्ठी बता देता हूं। तो बेटा आप देखो, इलेक्ट्रॉन तो हर का सेम होता है, हर गैस का सेम होता है, हर एक गैस का इलेक्ट्रॉन तो सेम होता है ना। तो मैं कोई भी गैस रखूं ट्यूब के अंदर, जो कैथोड रेज आएंगी वो तो सेम आएंगी, बिल्कुल सेम आएंगी वो, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि भी कोई भी गैस रूम है कैथोड रेज एग्जैक्टली सेम आएंगी, क्योंकि तुम नाइट्रोजन के एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बाकी जो बचा वो एन पॉजिटिव बचा, है ना। मान लो नाइट्रोजन का एटम ऐसे, चलो मॉलिक्यूल होगा, और अगर मान लीजिए मैं हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा? हीलियम पॉजिटिव बचेगा। अगर मैं ऑक्सीजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ये लिखने में दिक्कत आ रही क्योंकि नीचे वाले में हमने एनिमेशन डाला हुआ है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लाइट कर दो अगर समझ आ रहा है। देखो तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम है, चाहे नाइट्रोजन लूं मैं, हीलियम लूं, ऑक्सीजन लूं, दो भी लूं, इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम है, पर ये जो बाकी का पार्ट बचा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट बचेगा, क्या ये सबका सेम होगा? बताओ क्या ये सबका सेम होगा? नहीं सर, ये तो डिफर करेगा, आप गैस बदल लोगे ये बदल जाएगा। तो मतलब कैथोड रेज तो हर गैस के लिए सेम आई, पर इन पार्टिकल के मूव करने से जो एनोड रेज आएंगी वो सेम नहीं आएंगी, वो डिफरेंट होंगी। इसलिए एनोड रेज क्या होती हैं? गैस बदलने से बदल जाती है। इफ यू चेंज द गैस इनसाइड द ट्यूब, एनोड रेज का करेक्टरिस्टिक बदल जाता है। क्या करेक्टरिस्टिक बदलता है? चार्ज अपॉन मास रेशो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी वही रहेगा हमेशा, मास भी वही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब आप चार्ज अपॉन मास रेशो, इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, ओके? तो इलेक्ट्रॉन्स का या कैथोड रेज का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो सेम रहता है, कोई भी गैस रखो। बट अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड रेज का जो बेटा स्पेसिफिक चार्ज रेशो होगा, क्यू बाय एम रेशो, दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लग रहा है कोई बहुत परेशानी में है।
ठीक है, तो एनोड का जो स्पेसिफिक चार्ज आता है दैट इज डिफरेंट. क्यों? क्योंकि एन पॉजिटिव का बेटा चार्ज कुछ होगा, हीलियम का मास कुछ और होगा, एन का मास कुछ और होगा, ओ का मास कुछ और होगा, तो ये बदलता रहेगा ना. तो ये याद रखना कि कैथोड रेज का चार्ज अपॉन मास रेशियो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, एनोड रेज का बदलता रहता है. तो बेटा दोनों रेज क्लियर होगी, एनोड रेज और कैथोड रेज कैसे आई होंगी. तो हाई पोटेंशियल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाई पोटेंशियल होगा तभी इतनी पावर जनरेट होगी, इतनी एनर्जी जनरेट होगी कि वो उसको निकाल पाएगा एटम से, है ना, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से उसको निकाल पाएगा. नाउ द पॉइंट इज के प्रोटॉन अलग होता है तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है. विनय बेटा क्या पूछ रहे, इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होता, प्रोटॉन अलग होता है, प्रोटॉन कहाँ अलग होता है, कहाँ अलग होता है, नहीं होता. तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ ध्यान से आप लगा के पढ़ते रहो, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. कुछ आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ओके. ये क्या निकली रहे, तो कैथोड रेज एनोड रेज कट्ठे कट्ठे हमने कर दी, राइट. अभी ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाई दिए. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स. तो पहला बात, कैथोड रेज आर एक्चुअली क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. कैसे पता लगा, पता ऐसे लगा क्योंकि कैथोड रेज आ रही थी, आपने एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट उसके आसपास रखी तो वो रिपेल हुई, वो नीचे की तरफ मुड़ गई क्योंकि नेगेटिव चार्ज से वो रिपेल हुई. अगर आपने पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा तो वो अट्रैक्ट होगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, तो पता लगा कि भाई चार्ज्ड है. क्योंकि चार्ज नहीं होती, कैथोड रेज चार्ज पार्टिकल नहीं होते, तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से डिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए थे. तो कैथोड रेज आर एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. तो ये कैथोड की तरफ से चल के एनोड की तरफ चलती हैं, ये इनविजिबल होती हैं, पर हमें क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग हमने अंदर कर रखी है. तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये सीधी चलती हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे हो, तो ये सीधी चलती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड से भी ये डिफ्लेक्ट होती हैं, और रास्ते में इनके कुछ ऑब्जेक्ट आ जाए क्रॉस नहीं कर पाती, मतलब बड़ी हाई एनर्जी रेज नहीं है, उसकी शेडो बनती है, वो भी आपको दिखाया मैंने अभी, है ना. तो दे कास्ट शेडोज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ एंड दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट. अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगा किसी ये पार्टिकल थे, कैसे पता लगा कि सर पार्टिकल ही थे, मतलब ये वो कुछ और नहीं था, है ना. तो ऐसे पता लगा कि उन्होंने क्या किया, बहुत हल्का सा लाइट वेट सा व्हील सा बनाया, उसके एच पे एनोड रे मतलब जो कैथोड रे थी वो स्ट्राइक की, तो व्हील हल्का हल्का मूव करना स्टार्ट हुआ, घूमना स्टार्ट हुआ, बहुत लाइट वेट व्हील था वो, पर जब उसके एक कॉर्नर पे कैथोड रेज स्ट्राइक करना स्टार्ट की तो व्हील हल्का हल्का सा रोटेट करना स्टार्ट हुआ. उससे पता लगा अब यार लाइट, अब तुम एक व्हील लो हल्का सा, उसके आगे टॉर्च लेके खड़े हो जाओ तो व्हील थोड़ा ना रोटेट करेगा, लाइट से थोड़ा ना चीज़ें मूव करना स्टार्ट करती हैं. तो अगर व्हील रोटेट करना स्टार्ट हुआ तो दैट मीन्स के कुछ पार्टिकल ने उसको हिट किया, कुछ कोलिजन हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो पता लगा कि भाई ये पार्टिकल्स हैं, ये वेव्स नहीं है, ये पार्टिकल्स ही हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगा. वो सारी सारी प्रॉपर्टीज़ आप अपनी बुक्स में पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं. आई थिंक बड़ा सिंपल सी चीज़ है, फंडामेंटल समझ आ गया आपने को कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था, राइट. फिर तो ये है कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर नेगेटिवली चार्ज फास्ट मूविंग पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. कैथोड रे सबके लिए सेम होती है, कोई भी गैस रखो अंदर उससे चेंज नहीं होती है. कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड मेटल, थिन शीट्स को क्रॉस कर जाएंगी बाकी नहीं. दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, किसी मेटल से स्ट्राइक करने पे वो एक्सरेज जनरेट करती हैं. उनका चार्ज अपॉन मास रेशियो कितना होता है, 1.76 × 10⁻¹⁰ कूलम पर किलोग्राम, और ये एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, वैश्विक सत्य. यही हुआ ना इसका, राइट, यही हुआ ना इसका, आई थिंक, आई होप, ठीक है. तो अब ये बताओ, अब ये याद तो कर दिया, अब तुम लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, लाइक किया, शेयर किया कि नहीं किया. ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है, इस हफ्ते स्टार्ट हो रहा है, फिर मत बोलना सर स्टार्ट हो गया था और आपने बताया नहीं, टाइम से बताया नहीं. तो जिन जिन को प्लस ज्वाइन करना है जल्दी से कर लो, इस वीक ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है. और कोई एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कराऊंगा, मैं एडवांस लेवल तक सब कुछ कराऊंगा. अभी तो कहानी शुरू हुई है बेटा, अभी कैथोड रे की कहानी शुरू हुई है, समझे, चिंता नहीं करो. अब बात करते हैं कि सर ये जो आप चार्ज अपॉन मास रेशियो की बात कर रहे हो, ये जो ई बाय एम रेशियो है जिसको आप स्पेसिफिक चार्ज बोलते हो, सर ये कैसे मेजर की. तो सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है, ओके. अभी किसी बच्चे ने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर कैथोड रे को इलेक्ट्रॉनिक क्यों, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला उसको, फंडामेंटली क्यों बोला उसको,
है ना, इट मे बी समथिंग एल्स, फंडामेंटल क्यों हुआ वो? यस आयुष, ठीक है, फंडामेंटल इसलिए हो बेटा, तुमने अलग अलग गैसेज ली, अलग अलग गैसेज ली, पर कैथोड रेज का ई बाय एम हमेशा सेम आया, मतलब वो कुछ फंडामेंटल चीज होगी ना जो चेंज नहीं हो रही, गैस चेंज करने से, सब कुछ चेंज करने से वो चेंज कभी भी नहीं होता है। पर एनोड रेज की बात करते हैं तो उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो चेंज हो रहा था। तो एनोड रेज का देखो, एनोड रेज का चार्ज अपॉन मास रेशियो चेंज हो रहा था, गैस टू गैस चेंज होता जा रहा था। तो बेटा जितनी हल्की गैस लोगे, है ना, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। तो सबसे हल्की गैस लेने पे मास आपका मिनिमम हो जाएगा। जब बेटा मास आपका मिनिमम होगा तो Q बाय एम आपका मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, राइट? होगी ना? यस। तो यही हुआ, जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस ली तो Q बाय एम की जो रेशियो कैलकुलेट हुई वो मैक्सिमम आई, उससे ज्यादा कभी भी नहीं आई, उससे ज्यादा कभी भी नहीं आई। तो उनको फिर लगा कि यार हाइड्रोजन के केस में, मतलब ये फंडामेंटल पॉजिटिव पार्टिकल था, जैसे कैथोड रेस से तुम्हारा फंडामेंटल नेगेटिव पार्टिकल पता लगा ना, कैथोड रेस से क्या पता लगा? फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। तो वैसे एनोड रेज से फाइनली प्रोटॉन का पता लगा, पर जल्दी नहीं लगा क्योंकि अलग अलग गैस पे अलग अलग वैल्यू आ रही थी, अलग अलग गैस लेने पे अलग अलग वैल्यू आ रही थी। पर उन्होंने देखा कि अगर आप सबसे हल्की गैस लेते हो, मास को मिनिमम कर देते हो, तो क्यू बाय एम की वैल्यू जो रेशियो है ये मैक्सिमाइज हो जाती है, और ये मैक्सिमाइज हो जाएगी, और ये उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हुई। तो उन्होंने बोल दिया, समझ गए कि भाई एच से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो जो बचेगा H पॉजिटिव, यही तुम्हारा फंडामेंटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अल्टीमेटली यही प्रोटॉन है। पर इस चीज को आइडेंटिफाई करने में लगा था बहुत टाइम, ठीक है। इफ वी स्टॉप अप्लाइंग वोल्टेज तो कुछ नहीं बेटा, वो जो अंदर कैथोड रे जो ग्लो आ रहा था वो बंद हो जाएगा, एकदम से बंद हो जाएगा वो, ठीक है। तो बेटा थॉमसन, अच्छा मेरे को सारे बच्चे बताओ, थॉमसन ने, सर जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर किया था या उसकी E बाय एम रेशियो डिस्कवर की थी? मतलब उन्होंने क्या कैलकुलेट किया था? क्या उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया था, या उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया था? क्या किया था उन्होंने, क्या कैलकुलेट किया था उन्होंने, जल्दी से, ठीक है। लेट्स क्विकली रीच 2500 लाइक्स, ठीक है, जल्दी से। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे करेंगे बेटा, अभी वो भी करेंगे, ठीक है। गरिमा पूछ रही, सर जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड क्यों नहीं करते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, वो कोलाइड क्यों नहीं करते हैं जब वो कैथोड रे की तरफ जाते हैं? बेटा कैथोड रे की तरफ नहीं, कैथोड रे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। बहुत सारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को जॉइंटली देखा जाए तो इसी को कैथोड रे बोला जा रहा है। एक भागता हुआ इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रे है, नथिंग एल्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है वो कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में गैस भी थी ना, ट्यूब में गैस भी थी, तो वो गैस के साथ हल्का हल्का कोलाइड करते हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको मैं कल आंसर करूंगा कि बेटा एक्सट्रीमली लो प्रेशर क्यों हमने रखा था ट्यूब के अंदर, एक्सट्रीमली लो प्रेशर क्यों हमने रखा हुआ था, उसका क्या फायदा था, वो आपको मेरे को बताना है, ठीक है। ओके यस, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है ना, ई बाय एम। तो सर जे जे थॉमसन ने जो मेजर किया था दैट वॉज चार्ज अपॉन मास रेशियो। ना उनको चार्ज का पता था, ना उनको मास का पता था, उनको बस ये पता था कि भाई चार्ज अपॉन मास की रेशियो इतनी आती है। अब आप बोलोगे सर चार्ज नहीं पता, मास नहीं पता, तो चार्ज बाय मास कैसे निकाल लिया? बेटा अगर आपको एक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता, फिर भी आप एक्स अपॉन वाई के बारे निकाल देते हो ना। अगर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टू दिया हुआ है, इट डजंट मीन कि एक्स आपका टू और वाई इज इक्वल टू वन है। एक्स फोर भी हो सकता है और वाई टू भी हो सकता है, एक्स आपका 20 और वाई आपका 10 हो, ये भी हो सकता है। रेशियो पता है हमें, मतलब चार्ज और मास की रेशियो हमें पता थी। जे जे थॉमसन को चार्ज की एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं थी, मास की एब्सोल्यूट वैल्यू उनको पता नहीं थी। तो इसको मेजर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को अब हम देखते हैं, है ना, जो कैथोड रे ट्यूब है ना एक्चुअली ये, यस अगर आप अभी किसी बच्चे ने अच्छा है इनको याद दिलाई, जो लाइटनिंग होती ना, बिजली चमकती है, दैट इज एक बड़ा वाला कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो गैस इसमें भी ट्यूब में आप यही कर रहे हो, हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हो और अंदर क्या होती है, गैस आयनाइज हो जाती है, गैस में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, आयन्स बन जाते हैं, और आयन्स कंडक्टर होते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस है,
कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करेगी। वही होता है जब क्लाउड्स में और अर्थ में, अर्थ सरफेस पे बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आ जाता है, तो इतने हाई पोटेंशियल पे बीच में जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो जो बिजली चमकती है वो भी एक तरह का डिस्चार्ज ही है, वो बहुत बड़ी स्केल पे है। हम जो कैथोड रे ट्यूब में करवा रहे हैं बड़ा छोटा है, ठीक है, ओके। देखो तो अब इन्होंने क्या किया, सर जे जे थॉमसन ने क्या किया, यहां ये लिया आपने भी कैथोड, यहां पे एनोड, एनोड में आगे इन्होंने होल कर दिया ताकि जो कैथोड रेज निकल रही है ना एनोड की तरफ जा रही है, वो कैथोड से एनोड की तरफ, तो वो उधर जा रही है तो एनोड के बीच में छेद कर दो, होल कर दो ताकि वो उसको क्रॉस करके निकल जाए आगे, ठीक है। तो ये आपकी निकली भाई कैथोड रे। तो नॉर्मली जब कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो ये सीधी चली गई यहां पे बी पे, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। फिर आपने क्या किया, फिर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है और नीचे ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो क्या इन्होंने देखा, यार ये ऊपर को मूव कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये जो कैथोड रे थी ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट हुआ, क्यों? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, तो इससे उनको पता लगा था कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इसमें, नहीं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों अट्रैक्ट होंगे वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ऊपर को खिसक गए बेचारे, यहां जाके हीट करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दी। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे सेट किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी और वो सी पॉइंट पे आके हिट करेगा, ओके। तो इस तरह से फील्ड को सेट किया था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसको ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हमें पता है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है E इंटू कैपिटल E, मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई ई मतलब चार्ज इंटू वी दैट इज वेलोसिटी, ओके। क्योंकि कैथोड रे में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना, एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला भी हमें पता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला भी हमें पता है। अब उसने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑन कर दिया, दोनों फील्ड्स को ऑन कर दिया। अब जब दोनों फील्ड्स को ऑन कर दिया तो क्या हुआ, उन्होंने उसको सेट ऐसे किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे ले जा रही थी, तो उन्होंने दोनों फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया कि वो कैथोड रे फिर सीधी चली जाए स्ट्रेट, मतलब जितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है, ठीक है। प्रणव बालक देख, तू सारे इमोजी दे रहा है, तेरा एक्चुअली मैसेज फ्लैग हो जा रहा है, वो ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो नहीं आ रहा अभी चीज में। बहुत सारे इमोजीज यूज करने से ये होता है, ऑटोमेटिकली वो मतलब रिमूव करता है उसको सिस्टम, समझे। इसलिए आयरन मैन सेम फॉर यू, तुम्हारा कमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। एक काम करना, जो तुम जनरल डाउट्स होंगे उनको कमेंट्स में लिख देना ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में तुम्हारे डाउट्स एड्रेस कर लूँ पहले, ओके। डोंट वरी, अभी मेरे को फ्लो में करवाने दो। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ऐसे सेट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस करे और वो जो कैथोड रे वो सीधी जाए, ओके। सीधी जाएगी तो क्या होगा फाइनली, तो आप ये बोलेंगे कि ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को क्या करती है बेटा, किसी भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा ना तो वो डिफ्लेक्ट होता है और एक सर्कुलर पाथ में आता है वो, यस yes, मतलब ये सीधा आपका मैग्नेटिक, सॉरी ये आपका चार्ज पार्टिकल जा रहा था राइट, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया ना ये, अभी डिफ्लेक्ट होगा और ये सर्कुलर पाथ में आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर फोर्स प्रोवाइड कर रही है, सर्कुलर मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो आप लिख सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वेयर बाय आर जो है दैट इज इक्वल टू बी ई वी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू बी ई वी, ये पहली इक्वेशन होगी राइट। तो यहां से क्या आ गया, वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूं कि E बाय एम आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, E बाय एम कर लेंगे तो वन अपॉन मतलब V अपॉन B इंटू आर, ये आ जाएगा मेरे पास, ओके। यहां तक हो गया। दूसरी बात, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में लेके गया तो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। सेकेंडली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपस में बराबर होगी थी, तभी तो वो सीधा जा रहा था वो, है ना। जब आपने दोनों को बैलेंस कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेट, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, तो ई ई इज इक्वल टू बी ई वी, तो ई ई उड़ गया, तो
तो यहां से वेलोसिटी कितना आ गया ई बाई वी, तो वेलोसिटी को यहां पर ई बाई वी पुट करूंगा मैं इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले में यहां पे, तो क्या आएगा? अच्छा आप लोगों को ठीक है, तो यहां वाले में मैं पुट करूंगा इसको, तो क्या आएगा ये, तो मेरे पास e by m आ जाएगा मेरे पास वेलोसिटी e by b, दैट इज e अपॉन b स्क्वेयर r, ये आ जाएगा। तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पता थी क्योंकि उन्होंने खुद तो सेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी उन्होंने पता थी उनको वैल्यू, तो ये भी पता था। r, r इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि जब वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो उसका रेडियस क्या है। तो ये आपका चार्ज पार्टिकल है, ये आपका चार्ज पार्टिकल आया, जैसे ही यहां से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो ये जनाब डिफ्लेक्ट हो गए नीचे और ये सर्कुलर पाथ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, समझे। तो यहां से पता लग जाएगा सर्कुलर पाथ अगर फॉलो करना स्टार्ट किया तो मे बी ये उस सर्कल का रेडियस है, तो कुछ कैलकुलेशन से ये रेडियस भी निकाल लिया गया। तो रेडियस भी पता लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पता था, मैग्नेटिक फील्ड का पता था, तो चार्ज बाय मास की रेशियो आ गई, समझे। तो दिस इज हाउ द जे जे थॉम्सन कैलकुलेटेड द चार्ज बाय मास रेशियो। चलिए अब मैं ठीक है, समीर सर की क्लास का टाइम होने वाला है, तो एक काम करेंगे आप नेक्स्ट में सोच के आना व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, क्या क्या इसमें ड्रॉबैक हैं या गलतियां हैं जिनकी वजह से एरर आ सकता था। ओके कोई बात नहीं, कि नहीं आएगा उसको अगली क्लास में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट काफी कुछ और करवाना था, चलो वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो बाकी आपको टाइमिंग का फिर से बताता हूँ कि बेटा मंडे टू वेडनेसडे आपकी 11th की क्लास ही चलती है, शाम को 7 बजे से लेकर लवली 10:30-11 बजे तक, और 4 से 7 बजे 12th वालों को चलता है क्विज। तो 11th की क्लासेज 12th का क्विज, और अगले 3 दिन 12th की रात को क्लास ही चलती है, 11th के चलते क्विज। तो ये टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए, मतलब 6 के 6 दिन आपकी पढ़ाई हो रही है। टेलीग्राम ऐप का मैंने आपको बता दिया, आपको बुक्स चाहिए मतलब नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए, तो हमारे ये सारे के सारे लास्ट ईयर के नोट्स इस साल के भी एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। जस्ट गो टू tinyurl.com/jeemobile, ठीक है, आपको मिल जाएगा। एंड बट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने का फायदा क्या है। तो बाल को अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा, मजा आया, तो ये देखो कि अभी तो ये वन वे ट्रैफिक था, ठीक है, मतलब अगर आप मेरे प्लस वाले बैच में आओगे इट विल बी लाइक और भी अमेजिंग होगी, बहुत इंटरेक्शन होती है, बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, बहुत कुछ होता है, और बाकी सारे पढ़ने वाले बच्चे तो मतलब बहुत एक ऐसा माहौल होता है कि अपने को पढ़ना है, अपने को क्रैक करना है, तो वो बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो काम करो, जल्दी से लाइक कर दो सारे के सारे, और शेयर करना है, बहुत मेहनत लगी है मेरे को सारी सारी ये डेटा मतलब पूरा इकट्ठा करके डिज़ाइन करने में, है ना, तुम लोगों को पता है ना अपना, मैं खुद ही बनाता हूँ अपनी सारी सारी ये स्लाइड्स। ओके तो बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको देखो क्या, आप 11th ज्वाइन नहीं करते, आप 12th ज्वाइन नहीं करते, आप IIT की सब्सक्रिप्शन लेते हो। अब IIT में अनअकैडमी पे 50+ ग्रेट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप सबकी क्लास देख सकते हो, जैसे 11th के भी कोर्सेज चल रहे हैं, 12th के भी चल रहे हैं, ड्रॉपर के भी चल रहे हैं, आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लाइव क्लास मिस कर दोगे तो आप उसके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बाद में, इवन जो लास्ट मंथ हुई थी कवर क्लासेस उनकी भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लाइव क्लास ही मिलती हैं, इंटरेक्ट करते हो, आप चैट के थ्रू आप पूछ पाते हो सर ये क्या होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो इंटरेक्शन है एजुकेटर के साथ, लाइव पोल होते हैं, लीडर बोर्ड होता है, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, मैं आपको क्वेश्चन दिया क्लास में, ठीक है, तो आप जल्दी सॉल्व करेंगे तो आपका रैंक आएगा, हर बच्चे का रैंक आता है, तो जो जल्दी सॉल्व करेगा उसका रैंक हाई आएगा, तो आपको पता चलता है कि मैं अपनी क्लास में कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, कितना मैंने इंप्रूव किया कि नहीं किया, और आपको डेली गाइडेंस मिलती रहती है क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो उस गाइडेंस क्या है ना, आपको एक डेली पुश मिलता रहता है कि हाँ यार हमें तैयारी करनी है। यूट्यूब पे बहुत डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, और IIT की तैयारी करनी है, मतलब IIT की तैयारी करने, मतलब मैं तो इतना बोलूँगा कि अगर देखो अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब है, बट अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आई डोंट थिंक प्लस से बेटर कोई, अनअकैडमी से बेटर कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर तो बेटा किसी, हम किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि सबसे बड़ी रिटर्न तो फ्यूचर पे इन्वेस्ट करने से ही आती है, अपने करियर पे इन्वेस्ट करने से, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने से ही आती है, ठीक है। और जितना इकोनॉमिकल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है उतना, और उतनी अच्छी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलती,
टेस्ट सीरीज यहां पर आपको मिल रही है, जे मेन के लगे, जे एडवांस के लगे, एनटीएस के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, उसका एनालिसिस होता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कितना स्कोर है, टॉपर का स्कोर कितना था, आपका स्कोर कितना आया, लाइव डाउट क्लियरिंग है। बच्चे पूछते हैं सर डाउट कैसे पूछेंगे, बेटा एवरी फोर्थ क्लास इज अ डाउट क्लास, मतलब तीन क्लास में थ्योरी बट तो फोर्थ में डाउट ही है। अब ऐसा नहीं कि तीन क्लास में तुम बिल्कुल डाउट नहीं पूछते, तुम भी पूछते हो, पर फोर्थ इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लास, तब हम डाउट ही डिस्कस करते हैं। और डाउट कैसे पूछते हो, आप क्वेश्चन का फोटो अपलोड कर सकते हो, आप क्वेश्चन नहीं समझ आए फोटो क्लिक किया और क्लास में अपलोड कर दिया। तो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है, और अब तो डाउट क्लियरिंग बैचेस भी स्टार्ट हो गया, मतलब बैच ही डाउट क्लियरिंग का है, उसमें थ्योरी पढ़ते नहीं, उसमें डाउट ही होता है। तो बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं, देखिए कोटा के एजुकेटर्स का अलग से बैच है, हमारी पूरी टीम अनअकैडमी की, अनअकैडमी लाइव डिग्री, जेई लाइव डेली की पूरी टीम, द बेस्ट एजुकेटर्स हम सब हैं यहाँ पे। देखिए 11 क्लास 11 का एमर्ज बैच है, मतलब हम सारे मिलकर आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। 12th का इवॉल्व बैच है, हम सारे मिलकर आपको 12th पढ़ा रहे हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, राइट, मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिटेल कोर्स है, तो कोटक एजुकेटर्स का कोर्स, अगर आपको कोटक एजुकेटर से पढ़ना है अभी, बेटा ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। डीसी पांडे सर पढ़ा रहे हैं, तो इतने अमेजिंग एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए, राइट। तो जस्ट डू वन थिंग, अभी जल्दी से जाओ, कहाँ पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाओ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो, अगर नहीं किया है इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद जब आप ओपन करेंगे ऐप को, अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो नीचे एक मेन्यू खुलेगा, उसमें लिखा होगा यहाँ पे प्लस, प्लस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पूछेगा कि किस एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, इवन फाउंडेशन के लिए आपके छोटे भाई बहन सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, ओके। तो बेटा 1 मंथ से लेकर 2 साल तक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। तो आईआईटी की तैयारी करनी, तो यार 11th वाले जो, उनको तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली लेना चाहिए, और जो भी 12th में हैं या ड्रॉप कर रहे हैं वो, उनके लिए 1 ईयर का चलेगा, पर मैं तो बोलूंगा कि आप 2 ईयर का ही लो, 1 ईयर का डजंट मेक सेंस, क्योंकि 6,000 का भी डिफरेंस नहीं है। तो 2 ईयर का 36,000 का है, 1 ईयर का 30,000 का, और आप पीटी लाइव कोड यूज करते तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। तो बेटा 10% डिस्काउंट के बाद 1 ईयर आता है आपका 27,000 का, और 2 ईयर आता है 32,000 का, ठीक है। तो बेटा 32,000 मतलब 1,350 रुपये पर मंथ, नोट्स भी डाउनलोड हो जाते हैं, DPPs भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड भी बचते हैं लेक्चर, ताकि बाद में रिवीजन करना तो वो भी कर सकते हो, सुबह से लेकर रात तक लाइव क्लासेस चलती हैं। तो यार 2 ईयर ही सबसे बढ़िया है, तो ज्वाइन करना है कर लो, ठीक है, क्योंकि अपनी अगर एजुकेशन पे अगर हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ओके। एंड कोर्सेज चल रहे हैं, सारे सारे चल रहे हैं, आओगे तो मज़ा आएगा क्लास में, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो लास्ट शेयर इट एवरीवेयर विद द हैशटैग लेट्स क्रैक इट, अनअकैडमी जे को सब्सक्राइब जरूर करना है। नीट चैनल भी हमारा अनअकैडमी पे, अमेजिंग एजुकेटर्स की टीम है वहाँ पे, वो आपको पढ़ाते हैं। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड नीट के लिए तैयारी कर रहा है, उनको डेफिनेटली रिकमेंड करना अनअकैडमी नीट। और बेटा स्कूल एट अनअकैडमी स्टार्ट हो चुका है, आपके 9th, 10th, 11th, 12th की सारी क्लासेस जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल 9th, 10th और 11th, 12th पे आपको मिल जाएंगे। और 9th, 10th और 11th, 12th के अलग से इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन भी आ चुकी हैं, जिनको सिर्फ स्कूल की प्रिपरेशन करनी है। तो नोट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे, अब सब्सक्राइब जरूर करना है, घंटी जरूर बजानी है, इफ़ यू डोंट प्रेस द बेल आइकन तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आता। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज का सेशन कैसा लगा, कितना मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, एंगेजिंग था। सो थैंक यू फॉर दिस लवली अटेंडेंस टुडे, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन और शेयर करना है, ठीक है, चले, थैंक यू गाइज, अब सभी सर की क्लास एंजॉय करिए, ठीक है।